गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर रीड किया था। हम लोगों का चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है, द मून। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। ये पोयम है, तो इसमें हम लोग ग्रामर सेट नहीं बनाते। पोयम में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्ड बैंक करते हैं। फेसेस, इसका मीनिंग होता है स्टेज शो इन द मून। जो मून की जो पिक, मतलब मून की जो स्थिति होती है वो दिखाना, ठीक है। हार्बर मीन्स अ प्लेस ऑन द कोस्ट वेयर द शिप टेक शेल्टर, मतलब समुद्र का वह किनारा, वह स्थान, समुद्र पर वह स्थान जहाँ पर जहाज खड़े होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट में, बंदरगाह बोलते हैं ना। ओके, कीस अ प्लेटफॉर्म वेयर बोट आर लोटेड, मतलब वह प्लेटफॉर्म जहाँ पर क्या होता है, जो हमारी बोर्ड होती है, नाव होती है, वो लॉटेड होती है, जिससे किसी भी सामान को भरा जाता है, ठीक है। फॉग अ प्लेस वेयर ब्रांचेस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, किसी भी पेड़ के आपने ब्रांचेस देखी है, वहाँ एक से दो, दो से तीन होती है, तो जहाँ पर टू ब्रांचेस डिवाइड होती है वहाँ पे एक इस तरह से वी बनता है ना, ये लाइक दिस, इस तरह से ट्री का आपका जो वी बनता है वो उसे क्या बोलते हैं, इस जगह को हम लोग। स्क्वाइलिंग क्या है हमारा, अ साउंड ऑफ कैट, बिल्ली का जो साउंड होता है वो हमारा स्क्वाइलिंग होता है। स्क्वाइकिंग क्या होता है, मेकिंग अ शॉर्ट हाई साउंड डेट इज स्लो, मतलब जो बहुत स्लो होता है पर इसकी आवाज ऊंची रहती है। हाउलिंग क्राइंग लाउडली, मतलब आपने कभी डॉगी को रात में चिल्लाते हुए सुना है, ओके, जिसे हम बोलते हैं ना डॉगी रो रहा है, वो वाला साउंड को हम क्या बोलेंगे, हाउलिंग। कडल क्या होता है, टू लाइव वेरी नियर, जो हमारे बहुत पास में होता है। ओके, वर्ड बैंक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा रीडिंग स्केल है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे पास, एमसीक्यूज। सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है हमारा, द मून हैज ए फेस लाइक द, मून का फेस किसकी तरह दिखाई देता है, क्लॉक, स्टार, स्काई, किसकी तरह, क्लॉक की तरह। ओके, नेक्स्ट हमारा, बर्ड्स अस्लिप इन द, पक्षी कहाँ सोते हैं, फॉक लीव्स ट्विच, नहीं फर्स्ट ए वाला, फॉक्स में, ओके राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, द माउस मेक ए साउंड ऑफ, माउस किस तरह का साउंड करता है, स्क्वाइलिंग, स्क्वाइकिंग या हूटिंग, तो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है, स्क्वाइकिंग। सेकेंड है हमारा, फोर्थ है सॉरी, फ्लावर्स एंड चिल्ड्रंस, यहाँ पे देखिए लव देयर दिया गया है, पर लव हमारा इनकरेक्ट वर्ड है, इसलिए इसको क्रॉस करके यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, क्लोज कर लेते हैं। फ्लावर एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर विंडो, नो कार, नो आइजेज, तो क्या क्लोज करते हैं, बच्चों और फ्लावर, आइज, आइज इज हमारा राइट आंसर। ओके ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू विच थिंग्स इज द मून कंपेयर, यहाँ पे मून को किससे कंपेयर किया गया है, किस वस्तु से किया गया है, क्लॉक से, तो हमारा आंसर क्या होगा, द मून इज कंपेयर विथ क्लॉक। ओके, हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट। सेकेंड आंसर देखते हैं हम, डिस्क्राइब द नॉइजेज दैट एनिमल मेक, यहाँ पे क्या है, एनिमल्स, यहाँ पे कैट, डॉग और माउस के जो साउंड दिया गया हमें, शोर करते हैं, उसको डिस्क्राइब करना है, तो आंसर हमारा क्या है, द कैट नॉइसेस, सॉरी द कैट मेक्स स्क्वाइलिंग नॉइस, कैट किस तरह का शोर करती है, स्क्वाइलिंग, द माउस मेक्स स्क्वाइकिंग नॉइस, फिर कॉमा, द डॉग मेक हूटिंग। ओके, ओके, एक बार दोबारा इस आंसर को देखते हैं, द कैट मेक्स स्क्वाइलिंग नॉइस कॉमा, द माउस मेक स्क्वाइकिंग नॉइज कॉमा, द डॉग मेक्स हाउलिंग नॉइज। ओके, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द हाउलिंग डॉग, तो द हाउलिंग डॉग इज बाय द डोर ऑफ द हाउस। ओके, द हाउलिंग डॉग इज बाय द डोर ऑफ द हाउस, दरवाजे पर डॉग क्या कर रहा था, चिल्लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एट वॉट टाइम डज द बैट लाई इन द बैड, तो किस टाइम पे बैट बिस्तर पर पड़ा रहता है? आंसर है हमारा द बैट लाइज इन द बैड इन बैड एट नून, दोपहर के समय बैट कहाँ पर पड़ा रहता है हमारा? बिस्तर पर। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, आप लोग भी अपनी बुक में क्रॉस कर लीजिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, हम इस चैप्टर में फोर क्वेश्चन ही करेंगे, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। ओके, तो हम लोग ने फिनिश डेट मेंशन कर ली चैप्टर पर, ठीक है। अब आपका जो होमवर्क है ना, आपका बहुत इंटरेस्टिंग होमवर्क है, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। ओके, यहाँ पर क्या करना है आपको, ड्रॉ द डिफरेंट फेसेस ऑफ द मून ऑन ए चार्ट पेपर ब्यूटीफुली। आपको क्या करना है, इस पेपर पर मून की जो अलग अलग, आपने देखा है ना, मम्मा से भी सुना होगा, पहले मून कम होता है फिर धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता है, स्टार्टिंग ए मंथ की 15 डेज मून का साइज क्या होता है, बढ़ता है फिर कम होता है। तो आपको पूरे 30 पिक बनाने हैं यहाँ पे, किसके, मून के, पहले बढ़ते हुए फिर उसको कम करते हुए। ओके, आपको मजा आएगा ना, उसको ड्रॉ भी कीजिएगा कलर भी कीजिएगा, पूरा स्काई यहाँ पर बना दीजिएगा। ओके, थैंक यू।